राजा कुमार स्वामी जोर से बात। मेरा नाम राजा कुमार स्वामी है। घर कहाँ हुआ? पची। पची जी। पची कहाँ, कौन थाना पड़ता है? मधेपुर थाना है। मधेपुर थाना है। देख रहे हैं तुम्हारे माथा में बैंडेज लगा हुआ, क्या बात हुआ? जी सर, सर कल मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ था। हाँ, हम अपना पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। हाँ, वहीं पे पेट्रोल पंप से 50 मीटर पहले मेरा पोल्ट्री फार्म, तो उसी रास्ते से होते हुए आदि के बी का जुलूस और बड़ा मुस्लिम टोला का पक्षी का जुलूस साथ में जा रहा था। घर का लोग मस्ती करते हुए जा रहा था, हम लोग भी अपने फार्म पे काम कर रहे थे, दाना पानी सफाई कर रहे थे। तभी जुलूस जा रहा था तो हम वहीं से खड़े होकर देख रहे थे, तो दो चार एगो दो लड़का मेरे रमा जो बाउंड्री दिए हैं जाफरी पे, उसको उस पर लाठी डंडा मारना शुरू कर दिया। तो हम उसको बोले, सिर्फ इतना ही बोले कि भाई उसको सबको मत बोलिए, आप लोग अपने एंजॉय कीजिए, आप लोग खेलिए। इतना ही बोले कि वहाँ से आया मेरे पास आ गया एक लड़का है, क्या बोला रे, ऐसे ऐसे धक्का देना शुरू कर दिया। तब हम उसको बोले यहाँ से निकलिए, आप लोग यहाँ से निकलिए। तब वो लोग नहीं निकलते हुए मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद मुखिया भी आया और वो भी हम पे डंडा से हमला किया, पुरसा से भी हमला किया गया है, जो कि हम उस अवस्था में बच के आगे वही मेरे लिए बहुत है, भगवान का शुक्र है बच के आगे, नहीं तो हम मेरा जान भी जा सकता था। और बस और क्या कहेंगे, और वहाँ पे पब्लिक लोग भी देखा है। मैंने पति के मुखिया से भी बात की, मुखिया का कथन है कि सर आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हम मारपीट करने वाले आदमी हैं। दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ से जब जुलूस आ रहा था तो राजा सहनी जुलूस का वीडियो बना। दूसरा ये है कि हम जब उसका मारपीट निकल गया तो हम आए थे, चलो तुमको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ में पूरा जाली जुलूस और हमारा नाम भी थाना में दे दिया है, जो राजनीति के माहौल से हमको भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि राजनीति का भी भावना है। और उनका जो बोले हैं ना, उनका कहना बिल्कुल गलत है, नहीं हम उनके साथ गाली गलौज किए हैं और नहीं उनके साथ धोखा मुक्की किए हैं, क्योंकि हम उस अवस्था में थे, मेरा जान ही बच गया, वही बहुत है मेरे, और नहीं हम उसको गाली भी नहीं दिए हैं और नहीं हम जुलूस का वीडियो बना रहे थे, हम अपने काम में बिजी थे। अगर हम वीडियो बना रहे थे तो उनके पास कोई साख होगा कि ये लड़का वीडियो बना रहा था, क्योंकि मोबाइल हम ही नहीं चला सकते थे। बहुत लड़का के पास मोबाइल है, सब वीडियो बनाता है, वीडियो सब बनाता है, किसी न किसी के मोबाइल में मेरा भी फोटो होगा कि ये वीडियो बना रहा है। हिंदुस्तान में भी निकला हुआ है आपका न्यूज़ जो है, हिंदुस्तान में भी निकला। और सर रही बात मुमताज जी की, मुमताज जी हमसे उनका थोड़ा हम इलेक्शन लेके थोड़ा उनसे हमको हो गया था, और कुछ भी नहीं, हम जो तालाब करते थे ना, तालाब के मालिक जो है ना, उनको जाके मेरे बारे में बोल रहे थे कि क्रिमिनल है, इसको तालाब मत दो। ये एक साल पहले की बात है, इस ये भी बात हम समाज के गणमान्य व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को हम बोल चुके हैं कि देखिए मुमताज जी मेरे बारे में इस तरह से रूमर उड़ा रहे हैं कि हम सर हम इस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, हम फैमिली वाले आदमी है, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, हम सोच रहे हैं कि अच्छे से जिंदगी जी लें, और हमको ये सब मुमताज को, मुमताज मुखिया को बोले कि देखिए आप पूरा गांव के मुखिया, हिंदू मुसलमान जात पात करने से नहीं चले जाता, आप पूरा गांव के मुखिया है, मुखिया बन के रहिए। और जो मुखिया का काम है, मुखिया का काम नहीं है कि कहीं मारपीट करना या ये, तो सर आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं करने वाले हैं, हाँ ये सब हमारे ऊपर में सर लंछना लगा रहा है। सर हम थाना पे भी गए थे आवेदन देने, वहाँ भी बड़ा बाबू हमसे बोल रहे थे कि वो तो बहुत सफल आदमी है, वो तो मारपीट नहीं कर सकते हैं। तो बोले हम सर उनके माथ पे नहीं लिखा है, हम भी सफल आदमी है, आप भी मेरे बारे में पता कर लीजिए, हम भी कभी मारपीट नहीं करते एकदम। देखिए ये जो है मेरा चैनल का नाम है सत्य का आकलन, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी, हम जो कोई आदमी होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, हम अकेले रह जाए, हम भी यही चाहते हैं। अगर हम अपने पोल्ट्री फॉर्म में थे, अगर हम घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे सर, हम यही प्रशासन से, मुखिया को हम बोले, सुनिए मुखिया को हम बोले कि आज नहीं जुलूस नहीं निकल रहा है, पश्चिम में यहाँ हिंदू मुसलमान भाई चढ़ा था, सब में काम था,
लेकिन ये जो घटना हुआ है दो ठो कुछ दिन पहले यहाँ कौन सेली था दुकान कर रहा था चारी सौ उसके साथ मारपीट हुआ है, तुम्हारे साथ में हुआ है ये, तो ये बारम्बार जो हो रहा है इसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। यहाँ होली भी हो रहा है, भड़म भी हो रहा है, सब सब हो रहा है। अगर मान लीजिए कि सपोज डेट के लिए अगर हम वीडियो ही बना रहे थे तो वीडियो बनाने का सजा क्या मौत है आप बताइए? अगर जुलूस कहीं से जा रहा है कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है, सर हम आवेदन दिए, बड़ा बाबू आवेदन लिए हैं, अभी तक FIR नहीं किए हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और उचित कार्रवाई होना चाहिए, बस ठीक यही चाहता। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजा कुमार सहनी, घर पची वार्ड 14 थाना मधेपुर जिला मधुबनी। पिताजी का नाम श्री सुरेंद्र प्रसाद सहनी। ठीक है, धन्यवाद।